अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं ना किसी संगठन से, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए आए हैं। हम किसी तरह की अराजकता पैदा नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो इतने सालों तक सहते आए चुपचाप, उसका परिणाम ये निकल रहा है कि आज मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलने वाला था, नाता जा रहा है। हम छोटी छोटी बातों पर चुप रहे, उसका ये नतीजा है। अब हमें चुप नहीं रहना है, वो सभी को साथ होकर राजभवन के विकास की बात सोचनी है। इसी सिलसिले में आज हम कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन देंगे और आगे भी अपने अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए अपने हक के लिए लड़ना है। जय हिंद भारत माता की जय। खुले संघर्ष समिति के आह्वान पर राजसमंद नगर से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जनों, युवा साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि मेडिकल कॉलेज जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, राजसमंद वासियों की एक नजरों का एक सपना था कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज खुले, और हम देख रहे हैं कि वो लगभग पूरा होने वाला था। लेकिन इस प्रकार की एक दलगत राजनीति, एक क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, और उस राजनीति के चक्कर में जो जिला मुख्यालय पर छोटे छोटे अनावश्यक बहाने बनाए जा रहे हैं कि जमीन नहीं है, नियमों से परे है, जबकि ये सारी गुमराह करने वाली बातें। अगर किसी के मन की मंशा है कि जिला मुख्यालय पर कॉलेज खोलना है, तो सारे नियम, सारी जो नियमावली है, अगर वो चाहते हैं तो फॉलो हो सकती है। लेकिन उनके कहीं ना कहीं मन में जो एक चोर छुपा बैठा है कि मैं अपने क्षेत्र का सोचूं। लेकिन महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, यह जिला मुख्यालय है, यह भी आपका ही है, किसी और का नहीं है। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करते हैं राजसमंद वासी, ये तो जिला मुख्यालय पर खोलेंगे तो मुख्यालय पर ही खुले, ना कि कहीं और खुले। धन्यवाद। मेडिकल संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर और ग्रामीण अंचल से पधारे हुए सभी बंधुओं, पिछले दिनों केंद्र सरकार की योजना के तहत हर जिला मुख्यालय पर, देश के हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने का आदेश हुआ था। उसी कड़ी में राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी मेडिकल कॉलेज खुले, ऐसे प्रयास सरकार की तरफ से हुए हैं। और सरकार के आदेश के अनुसार माननीय कलेक्टर महोदय ने पिपड़ा में जमीन चिन्हित करके उसका आदेश जारी किया था कि यहां मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, किंतु रातों रात क्षेत्र विशेष के नेताओं के आदेश पर माननीय कलेक्टर महोदय ने अगले ही दिन अपने बयान से पलटते हुए कहा कि यह जमीन सरकार की कोई आरएसआरटीसी करके जो नोडल एजेंसी है, ने कहा यह जमीन अनुपयुक्त है। हमारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर जमीन अनुपयुक्त थी तो किस आधार पर आपने उसको चिन्हित करके पिपड़ा के देवप्रिया के पास चिन्हित करके मेडिकल कॉलेज के लिए उसको अलॉट करवाई? साथ ही ऐसा क्या हो गया कि जमीन की उपयुक्तता जांचने के लिए एजेंसी अगले ही दिन नियुक्त होकर आके उसको अनुपयुक्त घोषित कर देती है? साथ ही बंधुओं, अगर जमीन अनुपयुक्त है तो उदयपुर की तरफ जाके क्यों अलॉट की जा रही है? उपयुक्त जमीन राजसमंद आरके हॉस्पिटल के पास काफी जगह पड़ी हुई है। ये बात बहुत छोटी है। हम लोग जितने जागरूक होकर बाहर आए हैं अलग अलग क्षेत्र से, अगर ये जागरूकता गांव गांव डाड़ी डाड़ी तक नहीं पहुंचेगी तो गवर्नमेंट के जो नियुक्त जिलाधीश महोदय हैं, जिन्हें पूरे जिले की सोचना चाहिए, वो केवल किसी क्षेत्रीय नेता के आदेश पर जिले के मुख्यालय पे होने वाले सारे नवाचार एक क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ 4 विधानसभा है, पूरे जिले को उनको जो भी नवाचार सरकार के होते हैं उन्हें जिला मुख्यालय पे आयोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। आप खेल महाकुंभ हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, वो आप कहीं भी ले जाके कर लेवे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आप हम चाहेंगे तो भी आप वो करेंगे नहीं। लेकिन मेडिकल और कॉलेज के मामले में राजसमंद की जनता, आमेर, देवगढ़ और आसपास ग्रामीण क्षेत्र की जनता इसमें कतई समझौता नहीं करेगी। आपने पूर्व में भी रेल मंत्री रहते हुए केवल नाथद्वारा तक ही आप उसको ले आए। अगर चाहते हैं आप, आपके मन मस्तिष्क में कहीं राजसमंद मुख्यालय का विकास का होता तो आप उसको काकरौली मुख्यालय तक भी ला सकते थे। बंधुओं,
हम सबकी सोच होनी चाहिए। और साथ ही जिला कलेक्टर महोदय से भी हमारा निवेदन है कि आप किसी एक क्षेत्र विशेष पर ध्यान नहीं देते हुए पूरे जिले की सोचें। आप पूरे जिले के कलेक्टर हैं, आप कुछ भी सरकारी आदेश या कोई ऐसा होने से पहले स्थानीय जनता को साथ लेकर चले, आपकी रीति नीति प्रशंसा के योग्य होगी। अन्यथा आप क्षेत्रीय नेताओं के इशारे पर अगर कार्यशैली अपनी जारी रखेंगे तो आज तो यह केवल ज्ञापन रैली है, आने वाले समय में आपको आक्रोशित रैली का भी सामना करना पड़ेगा। सम्मानित बंधुओं, बड़े दुख के साथ में ये आंदोलन किया जा रहा है कि जिला मुख्यालय की जो अपेक्षित आवश्यकता है, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज के जो रोम्स है वो रोम्स जिला चिकित्सालय के पास में मेडिकल कॉलेज का होना अनिवार्य है और जमीन भी वहां उपलब्ध है। पर विगत कई वर्षों से जिला मुख्यालय की जो अपेक्षाएं थी वो आवश्यकताएं थी, विगत कई समय से वो क्षेत्र विशेष में जा रही। हम सब का एक ही भाव है कि पूरे जिले को साथ में लेकर पूरे जिले को हम लाभान्वित करें, ये हम सब का हेतु है। हम ना कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए है, पूरे जिला मुख्यालय की आवश्यकताओं के लिए है। हमारा तो यही निवेदन है प्रशासन से कि जहां आपका नोम्स बनता है जिला मुख्यालय और जिला चिकित्सालय के बाद में मेडिकल कॉलेज, कहीं कोई स्थान जिले में राजस्थान में कहीं नहीं है कि आप जिला मुख्यालय से कहीं और मेडिकल कॉलेज के अलग खोले, ऐसा नियम नहीं है। नियम चिकित्सालय जिला चिकित्सालय के पास में होना आवश्यक है। हमारा सबका निवेदन है कि आप नॉम्स के अनुसार जिला मुख्यालय के पास में जमीन उपलब्ध है वहां मेडिकल कॉलेज का निर्णय करें। इन्हीं बंदर भावनाओं का धन्यवाद। के लोग आएंगे तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि आज हमारे सामने जो हमारे राजनेता है, सामने वाले जो इस कॉलेज को कहीं और क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, वो आज सत्ता में है, बड़े हैं, इसलिए राजसमंद की जनता को सबको एक साथ मिलकर आना होगा। और मेरा इस मंच के माध्यम से सभी राजसमंद के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह है कि ये राजसमंद की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, वो खुलकर सामने आए। और यदि खुलकर कोई भी नेता सामने नहीं आता है तो मंच और राजसमंद की जनता अगले कार्यक्रम में उन सबका घेराव करेगी। मेरा सभी से आग्रह है कि ये राजसमंद जिला मुख्यालय पहले से बहुत वंचित रहा है, इस बार इस कॉलेज से वंचित न रह जाए, क्योंकि अगले कई सालों बाद 5-10 सालों बाद कुछ भविष्य देखिए, कितने रोजगार बढ़ेंगे, कितने संसाधन बढ़ेंगे। क्या इस क्षेत्र का व्यक्ति नाथद्वारा कॉलेज मावली रोड उधर जाएगा क्या? सभी से यह निवेदन है इस लड़ाई को जारी रखें, जब तक जिलाधीश महोदय राजस्थान सरकार हमें यह न कह दे कि यह कॉलेज जिला मुख्यालय पर होगा, जब तक हमारी यह संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।